जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो वक्फ बिल को लेकर के बनाई गई है, इस कमेटी की 4 बैठक हो चुकी हैं। हर बैठक में हंगामा होता है, विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। जो सेकंड बैठक हुई थी उसमें तो वॉकआउट भी किया था विपक्ष ने, लेकिन चौथी बैठक जो हुई है उस बैठक में एएसआई को भी बुलाया गया और एएसआई ने इस बिल का समर्थन करते हुए 5 पॉइंट हैं जो कमेटी के सामने रखे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस तरीके से इस बिल को किसी तरह से इसी शक्ल में पास कराने को लेकर के जद्दोजहद चल रही है। हर बैठक में क्या क्या हुआ और चौथी बैठक में किस तरह से एएसआई ने अपने पक्ष को रखा है, मैं इस रिपोर्ट में आपको बताता हूं। 22 अगस्त को पहली बैठक हुई जिसमें समिति के अध्यक्ष बोले सभी हिस्सेदारों की बात सुनी जाएगी। 22 अगस्त को 31 सदस्यीय की जो पहली बैठक हुई थी इसमें समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बताया कि बिल पर विचार करने के दौरान सभी 44 बदलावों जो अमेंडमेंट हैं उन पर चर्चा होगी, सभी हिस्सेदारों की बात सुनी जाएगी। अल्पसंख्यक मामलों और कानून मंत्रालय के अधिकारी ने समिति को ड्राफ्ट कानून में जो बदलाव किए गए हैं उसके बारे में बताया। दूसरी बैठक हुई 30 अगस्त 2024 को, विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया और दूसरी बैठक में सभी सदस्यों ने कुछ देर के लिए बैठक से वॉकआउट किया। ये बैठक करीब 8 घंटे तक चली। बैठक में ऑल इंडिया सुन्नी जमियत उलमा और इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स, राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड, दिल्ली और सुन्नी वक्फ बोर्ड के विचारों को सुना गया। तीसरी बैठक हुई 5 सितंबर को। इस बैठक में विपक्ष ने कहा कि मंत्रालय ने जानकारी हमसे छुपाई है। तीसरी बैठक में मंत्रालय के अधिकारियों ने कमेटी को वक्फ बिल के बारे में प्रेजेंटेशन दिया। इस दौरान अधिकारियों की विपक्षी सांसदों से तीखी बहस हुई। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि प्रेजेंटेशन के दौरान सरकारी अधिकारी कमेटी को बिल के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं। सबसे ज्यादा विरोध संजय सिंह ने किया और इसके साथ ही दूसरे सांसद जो थे वो कल्याण बनर्जी थे, इन दोनों लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। अगले ही दिन फिर बैठक हुई इस बिल पर, जो चौथी बैठक थी। इसमें 6 सितंबर को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की चौथी बैठक हुई। इसमें आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई की टीम भी शामिल हुई। टीम ने कमेटी को प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि नया संशोधन बिल पुराने स्मारक को संरक्षित रखने के लिए जरूरी है। चौथी बैठक में भी पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच हंगामा हुआ। शिवसेना के सांसद नरेश ने कहा कि मीटिंग में विपक्ष सिर्फ विरोध कर रहा है, विपक्ष को सिर्फ विरोध करना आता है, विपक्ष सांसदों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना विरोध कर सके और स्पीच दे सके। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि ओवैसी के भाषण देने के बाद अन्य मेंबर भी अपना वोट बैंक सुरक्षित रखने के लिए विरोध किया। मैं विपक्ष से देश और संविधान के हित में बातें बारे में सोचने का आग्रह करता हूं, उन्हें लोगों के बीच भ्रम पैदा करना बंद करना चाहिए। इसके साथ ही एएसआई को पुराने वफ कानून में 5 दिक्कतें हैं। कई संपत्तियां, सबसे पहले उन्होंने ये ऑब्जेक्शन लगाया कि संपत्तियां जो पहले भारत सरकार ने संरक्षित की थी उन पर वक्फ ने बिना किसी सबूत के दावा कर दिया है। वक्फ अधिनियम 1995 वक्फ बोर्ड को दान के नाम पर किसी भी संपत्ति या भवन को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार देता है। इस अधिकार का उपयोग करते हुए वक्फ बोर्ड ने संरक्षित स्मारकों को वक्फ संरक्षित संपत्ति घोषित करने के लिए अधिसूचनाएं जारी की हैं, जिसके कारण प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत दिए गए अधिकारों के साथ टकराव हुआ। दूसरा जो ऑब्जेक्शन था वो ये था कि वक्फ बोर्ड एएसआई इन संरक्षित स्मारकों पर नियमित संरक्षण और रखरखाव कार्य करने से रोकता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां वक्फ अधिकारियों ने संरक्षित मॉन्यूमेंट्स के ओरिजिनल स्ट्रक्चर में बदलाव किए हैं जिससे स्ट्रक्चर की पहचान प्रभावित होती है। इसके साथ ही तीसरी जो आपत्ति जताई है वो यह है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर एएसआई और वक्फ के अलग अलग दावे होने लगते हैं, इससे एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत होती है। एएसआई ने बताया कि वक्फ के मेंबर कभी कभी एक तरफा फैसले लेते हैं जो नीतियों से बिल्कुल विपरीत रहते हैं। कभी कभी वक्फ के मेंबर के कर्मचारियों को संरक्षित मॉन्यूमेंट में नहीं जाने देते। कभी कभी वक्फ बोर्ड मॉन्यूमेंट्स पर मालिकाना हक जताने लगते हैं, इससे मॉन्यूमेंट की मैनेजमेंट की दिक्कतें
आने लगती हैं। तो ये चार पांच ऑब्जेक्शन थे जो एएसआई के ज़रिए इस चौथी मीटिंग में रखे गए हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एएसआई ने किस तरह से इस वक्फ एक्ट को सही ठहराया है, जो अमेंडमेंट की जा रही हैं उसको सही ठहराया है।